हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मज़े से होंगे। तो हम आज फिर मम्मी के घर आए हैं, मॉर्निंग के टाइम ही आ गए हैं, करीब 10:30 तक आ ही गए थे। अभी तो पापा लोग अंदर हैं, देखते हैं कौन क्या क्या कर रहा है। मम्मी का तबीयत ख़राब है तो फिर आए हैं, सोचे कि थोड़ा सा कुहरानी से भी भेंट कर लेंगे, मामी से भी देख लेंगे, मिल लेंगे। मामी के पास गए तो मामी तो सोई हुई थी, तो अभी छोड़ दिए हैं कि अभी रेस्ट कर रही हैं, शायद दवा वा खा के रेटी। और ये लोग तो जगी हुई हैं, यहाँ कपड़ा ये तह लगा रही है, लगता है कि 2 दिन से तह नहीं लगाई हुई थी। यहाँ मम्मी मेरी बैठी हुई हैं, कुहरानी अपना दादी के साथ खेल रही हैं। ओ तुम गुड़िया सेवा कर रही हो ना मम्मी का? कर ही रहे नहीं, अब छोटा छोटा बाल बच्चा को छोड़ के आई हो, माँ का सेवा कर लो खूब बढ़िया से, माँ के बराबर कोई नहीं। जब जब माँ का सेवा करने का मौका मिलेगा करना ही चाहिए। हाँ मम्मी, आप अपन ननद की सेवा कर रही हैं भौजाई के? मम्मी तो बेचारी खुद ही सुस्त पड़ी रहती है, तबीयत ही नहीं ठीक रहता है। पापा ठंडा ठंडा हवा है, यहाँ बैठा दे रहे हैं दीदी रानी को। देखो देखो क्या बदमाशी कर रही है, इसको तो इसी सब में खूब मन लगता है, खूब मन लगता है इसको ये सब में। देखो पत्ता तोड़ेगी वो, बहुत शुरू 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 हो गया। और खाना पीना हो गया? अभी नहीं, नाश्ता पानी हो गया है, नाश्ता पानी हो गया। चलो खाना खा लो तुम भी। हाँ खाते हैं, चलो ज़्यादा भी सोए हुए ना। अभी तो सो ही है, अभी जस्ट अभी तो छोड़ है, बाय बाय कर दो। बाय 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 बाय। मायके की गलियों का यही मजा कहते हैं, ससुराल में तो ऐसे लड़की निकलती नहीं है, बहुत पाबंदी ही रहता है किसी किसी घर घर, मेरे घर तो नहीं है। और मायके में देखिए मेरी मम्मी और चाची जी बैठी हुई हैं, दोनों गोतनी हैं, और हम भी अपना बाहर निकल गए हैं गुड़िया के साथ कि चलो हम लोग भी बाहर ठंडा ठंडा हवा खाते हैं। और कुहू भी है बाहर, मेरी भतीजी भी बाहर निकल गई है। बोल दो कुहू, हेलो। ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद बारिश हुआ, मौसम तो चेंज हो गया है। दोनों गोतनी लोग बैठी हुई हैं, अपना सुख दुख बतिया रही हैं। अब ससुराल जाने का बात हुआ है तो दोनों का मुंह उदास हो गया, देखिए जरा देखिए। अब वही मैके का बात रहता है तो चेहरा चमक उठता है, और ससुराल के बाद में देखिए दोनों का चेहरा कैसे हुआ है। अरे नहीं नहीं उदास है, हम गलती बोल दिए, ये लोग खुश है ससुराल जाने के नाम पे। खुश है आप लोग? खुश है ना? हाँ चलिए। नहीं नहीं, लड़की लोग को थोड़ा सा रहता है ससुराल के नाम पे, चेहरा थोड़ा सा उदास हो जाता है। तुमको उदास होता है भैया? हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे घर के अंदर ना हवा भी नहीं जाता है, हवा भी नहीं जाता मेरे ससुराल में तो, और हम किसी का चेहरा भी नहीं देख पाते हैं, चाहे जितने दिन रहे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना बस निकलती है उस समय, और फिर जब जाती है बस बाहर, बाकी दिन अपना घर ही में रहती है। जब शादी करके जब हम अपने ससुराल गए थे तो महीने भर रह गए थे बस, हम 4 लोग का फेस देखते थे, अपने हस्बैंड का, अपनी सास का, अपने ससुर का और अपना। 2 महीने तक हमको 5वां फेस दिखाई ही नहीं। मैके की गलियों को यही मामी को देखने आए थे, अभी ठीक है मामी, लेकिन रेस्ट में तो रहना ही है। लेकिन जानती हैं इनको काम करने का आदत है, चलने का आदत है, इनको संतुष्ट नहीं हो रहा है। अभी ठीक है ना मामी? नहीं, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, काम तो हमेशा करना ही रहता है, खा पी करके स्वस्थ रहिए, अभी बहुत काज संभालना है। अभी गर्म गर्म चावल बना है, खाइएगा क्या? नहीं चलिए, यही मामी को कुछ चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।